जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अ क्विक वीडियो अबाउट स्टडी इन नॉर्वे आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्यूशन फीस। तो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता कि नॉर्वे के अंदर जो है फीस की जो इम्प्लीमेंटेशन वो हो गई है। यूनिवर्सिटीज ने अपना जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी पब्लिश कर दिया है, न्यू स्टूडेंट्स को सेंड कर दिया है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मिनिमम और मिनिमम कितने पैसे हैं जो नॉर्वे में आपको फर्स्ट ईयर के लिए चाहिए, और क्यों बेहतर है कि आप पहले यूएस से कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के लिए ट्राई कर लें बिफोर मूविंग टू द नॉर्वे। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ऑफ स्टवंगर की सबसे कम फीस है अराउंड 1.5 लाख क्रोन्स, और उसके साथ आपको ब्लॉक अकाउंट बनाना पड़ता है तकरीबन 1,30,000 क्रोन्स का। तो अगर इनको इकट्ठा करें तो तकरीबन 2,80,000 क्रोन्स बनते हैं। ये सबसे मिनिमम है, बेस है। तो ये पाकिस्तानी इस टाइम पे जो करेंसी के लिहाज से बन रहे हैं कोई तकरीबन 73 लाख रुपीज़, तो ये समझे कि ये बेस फीस है। उसके अलावा अगर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो उनकी मेरा फीस यूनिवर्सिटी ऑफ स्टवंगर से मेरे ख्याल से बढ़ती जाती है। तो जो मेरी नज़र में आई थी मैक्सिमम वो थी 2.5 लाख क्रोन्स फीस, मे भी इससे ज़्यादा हो, और 2.5 लाख, और उसके बाद आपका 1,30,000 क्रोन्स का आपका ब्लॉक अकाउंट, तो ये तकरीबन 3,80,000 क्रोन्स बनते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कोई 1 करोड़ रुपए है आपको फर्स्ट ईयर के लिए ही चाहिए चाहिए होगा। बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप यहाँ से पार्ट टाइम जॉब करके इतना पैसे निकाल लें, तो ये बात बिल्कुल भी अपने जहन में ना रखिएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बिफोर अप्लाइंग टू नॉर्वे एनी मोर, इफ़ यू कैन पे द स्टूडेंट फीस, ट्यूशन फीस, सो यू शुड अप्लाई टू यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वट एवर, गो टू सम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि किसी और कंट्री में मूव होना है, तो वो शायद कोई पुरानी वीडियो देख लेते हैं कि कहते हैं कि नॉर्वे की जो स्टडीज़ फ्री है, तो वो फिर मैसेजेस वगैरह करते हैं काफ़ी। डोंट मैसेज एनी मोर क्योंकि अभी नॉर्वे फ्री नहीं रहा। आई होप यू गेट इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।